हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम पहुंच ही गए हैं मक्का। सो अभी हम जा रहे हैं, हम कुछ खा पी लेंगे। ये लड़का नहीं सुधर सकता कुछ वजह, ये नंगा खड़ा हुआ है, देखें सो। अयान तो वैसे ऊपर वाली कहाँ है आपकी? निकल नहीं कहा, मैं कह रही ऊपर वाले कपड़े कहाँ हैं, चादर इसकी। तो अभी हम जा रहे हैं उमरा करने फाइनली। सो अब मैं मिलती हूँ आपको बाहर जाके। तो ये हमारा होटल है, यहाँ से ना इन्होंने कारपेट वगैरह हर होटल से उठा दिए हुए हैं, बिकॉज जब से कोविड आया था उसके बाद से उन्होंने बिछाए ही नहीं। चढ़ गई। और उमरा करने से पहले हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो पहले हमने खाना खाया उसके बाद फिर हम गए। और चलते ही चलते पता ही नहीं चला और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और इस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या थी मैं बता ही नहीं सकती, मैं बयान ही नहीं कर सकती। आंखों में आंसू थे और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और बस चलती जा रही थी। आई जस्ट कांट डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स राइट नाउ कि मेरी फीलिंग इस वक्त क्या है हम सब की। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबको एक मरतबा तो मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो एक बार हज या उमरा ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको एक हज उमरा कुछ भी एक दफ़ा तो ज़िंदगी में अल्लाह के घराना नसीब फरमाएं। और फिर जैसे जैसे करीब आ रहे थे, दिल की धड़कने उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और दुनिया की हर चीज़ को भूल गए और कुछ समझ ही नहीं थी और बस चलते जा रही थी। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं हर चीज़ भूल गई और मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, मैंने वीडियो भी बनाया है। मैं हर एक चीज़ भूल गई थी और मेरा फोकस सिर्फ एक ही जगह पे था कि मैं बस जल्दी से पहुँच जाऊँ, मैं अपनी आँखों से खाना काबा को देखूँ और जो मेरे दिल में दुआ है मैं उसको मांगूँ। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी आंखों को कि मैं अल्लाह के घर के सामने खड़ी हूँ। अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और मुझे अपने घर पे बुलाया और मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे और एक ही दुआ थी कि अल्लाह इस दुनिया से जितने भी लोग जा चुके हैं सबको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिस जिस के दिल में जो जो दुआ है उसकी दुआ को कबूल अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और हर किसी को अपने घर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। No matter how hard life is, Allah can change the most hopeless situation into the best moment of your life. Just say, smile and say Alhamdulillah for everything that you have. And one more thing, always remember, whenever you are alone, remind yourself that Allah has sent everybody away so that it's only you and Him. और कभी भी ज़िंदगी में उदास नहीं होना चाहिए कि हमने जो अल्लाह से मांगा वो हमें मिला नहीं। जस्ट ट्रस्ट अल्लाह व्हेन थिंग डोंट वर्क आउट द वे यू वांट, अल्लाह हैज समथिंग बेटर प्लान फॉर यू। बेशक अल्लाह ताला से ज़्यादा आपका बेहतर चाहने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। एंड डोंट बी सैड, अल्लाह इज़ विद यू एंड से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। और माशाल्लाह से जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, कितनी सारी पब्लिक है। ऐसे लग रहा है कि दुनिया के सभी मुसलमान आज ही यहाँ पे आ गए हैं। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ या नहीं बना रही, बस अपने ध्यान में देख रही थी सामने। और हम जिस मेन मकसद के लिए आए थे वो था उमरा, जिसके लिए हमने इतना सफ़र किया और वो हमने अपना उमरा करना शुरू। और जैसे ही हम उमरा कर रहे थे हमारा लास्ट राउंड था और मुझे पता ही नहीं चला, चलते ही चलते चलते ही चलते अल्लाह ताला ने मेरा एक और ख्वाब पूरा कर दिया। आई टच द खाना कावा माशाल्लाह। और यहाँ पे पापा की कोशिश और थी कि वह जल्दी से अयान को गोद में उठा ले, इतना रश था क्योंकि यहाँ पे अगर गिर जाते तो उठना बहुत मुश्किल हो जाना था।
और फिर हमारे छोटे से बेबी ने अयान ने काके ने इतनी हिम्मत की इतने रश में खाना खावा को टच कर लिया। और फिर अयान ने टच किया और आपी ने भी टच कर लिया और फिर चलते चलते मैं भी आगे बढ़ रही और मैंने भी फाइनली खाना खावा को टच कर लिया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी और एक ही बात सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और मुझे भी टच करने की तौफीक दी। और मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं इस खुद को खुश नसीब कहूँ तो गलत नहीं। गैस वर्ड, यहाँ पे हम सारे खड़े हैं लेकिन मामा नहीं और मामा यहाँ पे खो चुकी थी। और मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी और मुझे हंसी आती, पापा भी यहाँ पे चला थे। ओ मामा मामा कहाँ गई हो? मामा गुम हो गई थी। हाँ जी, हमें लगा बोसा चली गई हो शायद, हमें लगा बोसा चली गई। मैंने हाथ तो लगा लिया था, मैंने लगा लिया, खड़े और आप भाग गई। मैंने हाथ लगाया था, मामा को जगह दी है और उसके बाद मामा भागी पीछे से। वहीं से मैं कह रही कहाँ गई अभी तो हाथ लगाए थे। सफ़ा मरवा अब हमारा माशाल्लाह से स्टार्ट होने लगा है। आप देखें ज़रा कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, मैं भी ना घूम जाऊँ कहीं। माशाल्लाह 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 सुभानअल्लाह, देखें ज़रा कितना ज़्यादा रश है, ज़्यादा रश है। तवाफ़ के टाइम पे इतना पता नहीं चला रश का, लेकिन ये देखें माशाल्लाह जैसे हज नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे हज। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैफियत से हमारा जिंदगी का तीसरा उमरा भी आज हो गया है। 2023 का फर्स्ट उमरा हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया है। सो हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं, बस पैरों में दर्द हो रही है, बाकी बिल्कुल नहीं थके। हम तो जब मैंने कोई वीडियो या कोई स्नैप बनानी होती मेरी बहनों ने ज़रूर बोलना, हम बिल्कुल नहीं थके हैं। और बाकी जो है मैं एक्साइटेड हूं, अभियान की टिंड होने वाली है, आपकी टिंड होने वाली है। हाँ जी मजा आएगा बहुत। लड़कियाँ क्या कहेंगी, क्या टिंड गंदा लड़का। उम्रे से फारिग होने के बाद अब यहाँ पे अयान की जो है गड्डी होनी है कि टिंड करवानी है। देखो मोटी मशीन क्या, वो तो फैशनों में कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं करवानी कटिंग, मैंने नहीं कटिंग, ये वो टिंड नहीं करवानी इसकी। अगर ये कटिंग भी करवा लेगा तो ठीक है, क्योंकि इसने छोटे होते टिंड करवा ली हुई है। अयान इधर आओ, इधर आओ अयान, हर शरारते शरारते कटिंग करवा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अयान की कटिंग स्टार्ट होने लगी है, उठ गया कवर लगा दे, अभी कटिंग करेगा तो फिर आपको दिखाती हूँ। क्या हरकत की है आपने, कितने बाल कटवाए सारे, कटिंग करवा लिया है। खुली कर लेंगे ले। यहाँ आपने टेंट क्यों नहीं करवाई, मेरे पास ये लो, ये ले, चल उधर कर लो। खाने में हमने लिया है शवारमा, मामा लोगों ने बिरयानी ली है, हमारा यही दिल चाह रहा था इसीलिए अब हम अपना खाना करते हैं स्टार्ट। और मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।